को प्रोटेक्शन करना है और उन सबको हक देना है। वो नेहरू जी का समय से ही ये शेड्यूल। लेकिन अब आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस के तरफ से ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स गाँव बुढ़ास लोग के लिए रखा है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 2018 में साइन किया था। इसके तहत हम लोग का ये प्रोजेक्ट था कि हम लोग गाँव बुढ़ास एंड गाँव बुढ़िस ऑफ अरुणाचल को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गाँव बुढ़ा बहुत सारे कस्टमरी लॉस के ऊपर में बहुत सारे केसेस डिस्प्यूट सेटल करते हैं। लेकिन क्योंकि अरुणाचल में जुडिशरी सेपरेट होने के बाद हमने देखा है कि बहुत सारा केसेस अपील में भी जाते हैं। जुडिशरी सेपरेट होने के पहले, क्योंकि गांव बूढ़ा लोग अपना पावर्स ऑफ फंक्शन उन लोग ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज नहीं जानता था, उन लोग का जैसा अपॉइंटमेंट होता है असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेगुलेशन 1945 के तहत होता है, वहीं पर उन लोगों का पावर्स एंड फंक्शंस क्लियरली लेड डाउन किया है। लेकिन उन लोग जानकारी नहीं होने के कारण उन लोग बहुत सारा क्रिमिनल केस है जो उन लोग ट्राई नहीं कर सकते हैं, जैसे हीनियस केस, रेप, मर्डर, डकैती, वो सब भी उन लोग ट्राई करते हैं। वो सब केसेस जब डीसी कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में जाता है तो वो क्वाश हो जाता है। तो इसी मकसद से कि गाँव बुढ़ा लोग अपना जो समय है प्रोडक्टिवली जो केसेस सोसाइटी के भलाई के लिए कर सकते हैं उसी को कंडक्ट करें, और उन लोग का जो लिमिटेशंस है उसके बारे में भी उन लोगों को जानकारी देने के लिए हम लोग ने ये प्रोजेक्ट उठाया था। इससे पहले हम लोगों ने कंसल्टेटिव ट्रेनिंग दो बार रख चुका है गाँव बुढ़ास के साथ। उसमें हम लोगों ने उन लोगों का विचार लिया, राय लिया कि उन लोग कौन सा टॉपिक में ट्रेनिंग लेना चाहेंगे। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 6 जगह अरुणाचल में जीरो, ईटानगर, तेजू, तवांग, पसीघाट, आलो में गाँव बुढ़ास लोग का ट्रेनिंग किया है, जहाँ पर हम लोगों ने अबाउट 22 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोगों ने कवर किया है। हम लोग का जो ट्रेनिंग था बहुत ही पॉजिटिवली गाँव बुढ़ास लोगों ने लिया था। हम लोग का टारगेट था कि हम लोग 400 गाँव बुढ़ास को ट्रेन करेंगे, लेकिन हम लोग ने ट्रेनिंग के दौरान देखा है कि बहुत बढ़ चढ़ के गाँव बुढ़ास गाँव बुढ़िस लोग पार्टिसिपेट किया है, तो हम लोग का जो पार्टिसिपेंस था 484 था। तो आज का जो प्रोग्राम था ये हमारा लास्ट स्टेज है। हमारा ये टारगेट था कि जो 484 गाँव बुढ़ास गाँव बुढ़िस को हम लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग दिया है उन लोग का रिफ्रेशर ट्रेनिंग हम लोग ईटानगर में एक साथ कराएं, लेकिन कोविड के चलते ये पॉसिबल नहीं हो गया, नहीं हुआ और बहुत दिन से पेंडिंग था। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ पपुम पारे का बुलाया है। तो आज हमारे पास 100 अबव पार्टिसिपेंट्स है, बाकी का जो है हम लोग फिर सोचेंगे कि फिज़िकली करें या फिर ऑनलाइन करें इस तरह से। उसके बाद इससे पहले भी सितंबर को हम लोग का जो कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ था तो गाँव बुढ़ास का जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव था उन लोगों को बुलाया था, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा से अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से उन लोगों ने ट्रेनिंग के बाद बहुत ही लाभ उठाया है। जैसा ट्रेनिंग के समय हम लोगों ने असम रेगुलेशंस के बारे में बताया तो उन लोगों ने उसके बारे में भी अच्छा से अमल किया है। उसके बाद हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, वेरियस स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट उसके बारे में, देन लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस सब के बारे में उन लोगों को बताया। तो एक्सपीरियंस कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया, जैसा स्कीम्स होता है गवर्नमेंट का स्कीम्स होता है तो बहुत सारा लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण नहीं मिलता। एक गाँव बूढ़ा ने इतना तक भी बताया, जैसा ओल्ड एज पेंशन का होता है तो एक उनको गांव में पता चला कि एक बुजुर्ग माँ जो है उनको ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रहा था, तो क्योंकि उनको पता चला कि उन लोग किस तरह से सोशल वर्क कर सकते हैं, तो वॉलंटियरली गांव वाला ने जैसे फ्री लीगल सर्विसेज होता है उसी तरह वॉलंटियर होके उसने वॉलंटियरली बैंक में जाके पूछताछ किया कि क्यों नहीं मिल रहा, तो बताया कि आधार कार्ड उनका लिंक नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अवेयरनेस होने के बाद हमने देखा है कि बहुत सारा गाँव बुढ़ा लोग भी वॉलेंटियरली पब्लिक को सेवा करते हैं। उसके बाद जैसा टॉयलेट का फैसिलिटीज़ वगैरह जो होता है उसके लिए भी उन लोग कंसर्न डिपार्टमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि जो फैसिलिटी गाँव बुढ़ास लोग को मिलना है, पब्लिक लोगों को मिलना है वो देता है। आज का रिफ्रेशर ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया कि हमारा लास्ट स्टेज है गाँव बुढ़ास का, क्योंकि हम लोग फिज़िकल ट्रेनिंग करा रहे हैं बहुत दिनों के बाद, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉकडाउन, तो हम लोग ये आज पूरा इंश्योर किया है। और आज जैसे ही पार्टिसिपेंट्स आया है हम लोगों ने उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया है, उसके बाद उन लोगों को हमने मास्क दिलाया है,
सैनिटाइज़र दिलाया है, और मीटिंग से पहले भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कोरोना का, वो हम लोगों ने उनको बताया कि किस तरह पूरा सेशन में मास्क लगा के बैठना है, हाथों को सैनिटाइज़र से धोते रहना है। उसके बाद हम लोग चेयर्स के बाहर भी चौक से हम लोग ने सर्कल कर दिया है, और उन लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग इसी तरह से सोशल डिस्टेंस बनाते रहिए। और जानवर मार के खत्म होने जा रहा है, तो आप लोग जिसका बंदूक है बंदूक को भी आप लोग होशियार में रखो, किसी को मत दो। और बंदूक किसी को देने के लिए ये सर्टिफिकेट में नहीं लिखा है, परमिट नहीं लिखा है, अपना ये घर में रखने के लिए है, अपना ये प्रोटेक्शन के लिए। और नंबर वन, नंबर टू, आप लोग का ऑल अरुणाचल में देखता है कि आप लोग का लड़की बेटी बेटा लोग बहुत लॉस हो रहा है, तो इसमें हम पहले बोल चुका है, तो मेरा अरुणाचल का लड़की लोग को क्या होता है कि ये में कैपिटल में रहने वाला बाहर रहने वाला, तो उसका मिस माइकी है, माइकी होते हुए तो हम नौकरी है और हम ऑफिसर है, हम जाइए यही है टीचर है बोल के डिस्ट्रिक्ट में जाकर खुद उसका गाड़ी भी नहीं है, और किसी का गाड़ी को लेके लड़की को पताता है, और लड़की को लेके आएगा देखेगा तू, फिर उसका गौर भी नहीं है, माइकी है, तो उसमें बर्बाद हो जाए, लड़की भाग जाता है। इसमें हम लोग का एरिया का ऑल अरुणाचल का यह गांवबुरा गांवबुरी और बस्ती का लेवल में हम बस्ती को बोल रहे हैं, जितना पब्लिक है रिक्वेस्ट है, अपना बेटी को होशियार रखो और बेटा को होशियार रखो ये। और तीन नंबर जो है मेरा, जितना हम लोग केसेस है मर्डर शर्डर क्या क्या होता है उसको हम लोग रुकाना है गांवबुरा लोग, और जितना ड्रग्स लेता है उसको रुकाना है। अभी मेरा अरुणाचल में जितना है बेटा बेटी लोग ड्रग्स में ख़त्म हो रहा है, अभी बेटी लोग भी ड्रग्स लेके बदमाश कर रहा है, उसको रुकाने भी नहीं सक रहा है। तो इसलिए ड्रग्स मेन ड्रग्स को पहले बंद कीजिए, और ड्रग्स वाला कुछ उपाय नहीं हो रहा है, तो इसके ड्रग्स वाला को बंद कीजिए।